त्राल में आज इंतजामिया की जानिब से मार्केट चेकिंग अमल में लाई गई, जिसके तहत दर्जनों दुकानदारों से पॉलीथीन जब्त किए गए। इसके अलावा गलत पार्किंग करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ भी नोटिस निकाली गई। एडीसी त्राल शब्बीर अहमद रैना भी इस मुहिम में मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि पॉलीथीन का इस्तेमाल गैर कानूनी है, जिसको खत्म करने के लिए सबका साथ जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि ड्राइवर गलत पार्किंग से परहेज करें, ताकि लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियां पेश न आए। बेसिकली आज ही नहीं, हमने काफ़ी टाइम से शुरू कर दिया था। हमने हर ट्रेड एसोसिएशन जो अलाइन डिपार्टमेंट से एक मीटिंग की हमने अपने ऑफिस में, एंड वहाँ पे हमने इनको ये बता दिया है कि पॉलीथीन एक न्यूसेंस है, इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। बट ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमें आप सबों का सपोर्ट ना होगा। तो इसके बाद हमने एक ड्राइव भी कर दिया था उसके फॉलो अप में, एंड उसका एक इम्पेक्ट है ज़रूर, काफ़ी कमी लग रही है। बट आज हमने फिर कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे म्यूनसिपलिटी है, रेवेन्यू है, फूड एंड सप्लाइज है, एंड और भी फूड एंड ये फूड सेफ्टी है, और भी कुछ डिपार्टमेंट्स है। साथ ही साथ हमारे कुछ एम्बेसडर्स है, जो कॉलेज के जो बच्चे आए हैं, बच्चियाँ आई हैं, ये हमें काफ़ी हेल्प लग रहा है इनसे, कि ये इनको समझाते हैं कि इस पॉलिथीन से क्या क्या हमारी मुजरात है, कितना नुकसान हो रहा है, या अगर किसी दुकानदार ने बाहर अपना एक्सटेंशन किया उसे ट्रैफिक में क्या मिसमैनेज हो रहा है, एंड किसी ने अननेसेसरीली बीच में कोई स्टॉल खड़ा कर दिया उससे भी हमें ट्रैफिक में काफ़ी दिक्कत आ रही है, एंड जो हम यहाँ के कम्यूटर्स पब्लिक बाकी वो चल नहीं सकते हैं, एंड कोई हॉस्पिटल भी नज़दीक है और वहाँ पे अगर हॉस्पिटल गाड़ी कोई बीमार है तो उस वो भी टाइम पे नहीं पहुँच पाती है। ऐसे काफ़ी इसके ऑप्शन काफ़ी मुजरात है, तो इसलिए हमने एक ड्राइव यहाँ पर आज लिया है, एंड मैसेज हमारी यही है कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए। जहाँ कोई पॉलिथीन है इसको आप आज के बाद कहीं सेल मत करो, आज के इसको यूज़ मत करो, एंड जूस बाकी जो जूट के या अन जो नॉन बायोग्रेडेबल जो मटेरियल के जो हमारे एनवलप्स रहते हैं उनको यूज़ करो। वो 25 पैसे 50 पैसे मिल रहा है, उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। हमने लोकली भी वो अरेंज कराया है, अगर और भी कुछ बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, ताकि ये पॉलीथीन, हम चाहते हैं कि हमारा जो त्रावल टाउन है ये पॉलीथीन फ्री एक टाउन बन जाएगा। एंड जैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन है कि पॉलीथीन से हमने कहीं ना कहीं एक्शन लेनी है, तो आज हमारा मिशन है इंशाल्लाह कि आज के बाद और भी कंटिन्यू में रहेगा, एंड इसमें हमें सबों का सपोर्ट है। जैसे मीडिया ऑलवेज हमारे साथ साथ आ रहे हैं, बट हम लोगों से भी हमारी मैसेज है, गुजारिश है कि वो भी अपना लिफाफा घर से लेके आए, या अगर उनको दुकानदार खुद ही देगा कोई ऐसे पॉलीथीन में उसको मत ले लो, बोले उसके मुझे जूट ऐसा एनवलप दे दो, ताकि कोशिश ये रहे कि आने वाले टाइम में कि हमारा टाउन साफ़ सुथरा एंड पॉलीथीन फ्री रह जाए।